अरे देख 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 ये, अरे ये गड्डी वाला खड़ा ठोक रहा है, ये देखिए ये देखिए गड्डी वाला गिरेगा गिरेगा ये। अरे अरे वो देखो किधर बाढ़ दिया, देखिए यार इसने धूल बहुत ज्यादा हो रही है भाई। अरे यार ओ यार ये चोट खाएगा बिल्कुल ही, बिल्कुल ही देख चल चल पीछे चल पीछा कर इसका। अरे यार चोट खाने के मूड में आया यार ये, गया गया खंभे में खंभे में, इसने दिख नहीं रहा बिल्कुल ना, ये देखना ओए हो हो गया गया ओ गया गया भाई। रुक 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 लगा था इसको, रुक देखना देखना खंभे में रुक दे ले देख देख रुक उतर उतर आ जा। अरे ठीक हो भाई सब ठीक हो? अरे ले कैमरा पकड़ना अरे देखिए अगर इन्होंने सावधानी नहीं बरती, इनके फोग से शीशा बिल्कुल जम गया था, ये देखिए अंधा धुंधला शीशा हो रखा है, इतनी धुंध पड़ रही है फोग जम रही है और लोग मर रहे हैं, दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। आप ये पांच सावधानियां बरतोगे तो आप अपनी जान बचा सकते हो। सबसे पहला काम देखिए क्या करना क्या है, भाग के जैसी ऐसी कोई दुर्घटना दिखे डिग्गी खोलनी है और उसके अंदर से ये पहला निकालना है रिफ्लेक्टर, जो कि 10 फुट गाड़ी से आपने लगा देना है, इसको ऐसे खोलना है देखिए इस तरीके से, और गाड़ी के 10 फुट दूरी पे लगा देना ताकि आपकी भी जान बचे और अगले की भी जान बचे। तो ये पहला पॉइंट आपने ध्यान रखना है। और दूसरा आपने क्या देखना है, इस गाड़ी के अंदर आखिर ये फोग क्यों जम जाती है, धुंध में इतना शीशा धुंधला क्यों हो जाता है। इसमें दो चार बातें आपने ध्यान रखनी है, पहले तो इसका मैकेनिज्म समझे। देखिए ये पानी की बोतल है, जैसे हमारी गाड़ी का टेम्परेचर है और बाहर का टेम्परेचर है, जब आपने देखा होगा फ्रिज में से आप ठंडे पानी की बोतल लेते हो, पानी अंदर बोतल के अंदर ठंडा होता है, तो बाहर इस तरह से कुछ पानी की बूंदे, देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तरह से मॉइस्चर दिखने लग जाता है, यानी कि अंदर का टेम्परेचर ठंडा है इसलिए बाहर मॉइस्चर जम रहा है, पानी की बूंदे आ रही है, यानी कि बाहर का टेम्परेचर ठंडा होगा तो अंदर भी फोग जम जाएगी इस तरह से, ये देखिए जैसे कि यहां जमी हुई है। अब इसको हटाने के तरीके दो तरीके मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि ये देखिए अंदर की फोग और बाहर की फोग दो तरह की होती है। अब इसको हटाना कैसे है देखिए, हटा के मैं आपको दिखाता हूं, इस गाड़ी को ऑन करते हैं देखिए। और बहुत से लोग गलतियां क्या करते हैं, आपने सुना होगा देखो होगा प्याज का रस लगा लो ऐसे रगड़ लो, ये सबसे बड़ी मूर्खता है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब ये प्याज का जो मॉइस्चर है, क्योंकि ये परत एक लेयर बन जाएगी आपके शीशे के ऊपर, ये गलती कभी भी ना करें, इस प्याज को और ऐसे रेमेडियो को प्रयोग ना करें। उससे बचने के लिए आपकी गाड़ी में एक मैकेनिज्म दिया होता है इसको हटाने के लिए, देखिए अगर अंदर के फोग जमी है मॉइस्चर आ गया है तो आपको टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है। गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे देखिए मैनुअल गाड़ी है, जैसे कि बहुत सी ऑटोमेटिक गाड़ी होती है, उनमें सबसे पहले आपने अंदर की फोग को हटाने के लिए एसी चलाना होगा, यानी कि देखिए एसी ऑन करना होगा और दो पे बिल्कुल हल्की हल्की मैं चला रहा हूँ, और फ्रंट कर देना है यहाँ से शीशा बिल्कुल फ्रंट, तो अंदर जैसे ही ठंडा होगा ये देखिए शीशा क्लियर होने लगेगा, ये देखिए जैसे कि आप होने लगा है, और इसकी स्पीड मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ी, ये देखिए अंदर की फोग हटने लगी है, ये देखिए अंदर का जो मॉइस्चर है नमी है खत्म हो जाएगी। अब बाहर की कैसे हटाए, तो बाहर का जो टेम्परेचर होता है एनवायरमेंट होता है पहले ही बहुत ठंडा होता है, उसको हटाने के लिए आपको हीट पैदा करनी पड़ेगी तब जाके हटेगा, तो उसके लिए आपको करना क्या है, अंदर चलाओगे तो ठंडा करना है, बाहर चलाओगे तो ये आपका हीट में जाना चाहिए, यानी कि यहाँ से जो फ्रंट होगा एयर निकलेगी हीटिंग पैदा होगी, आपका शीशा इस तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर आपके शीशे पे इस तरह के धब्बे आ गए हैं तो आप नॉर्मली अपना वाइपर ब्लेड चला के आप उसको क्लियर कर सकते हो बड़े आराम से, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट आखिर ये जमे ही ना कभी, वो मेन पॉइंट है,
फाइनल पॉइंट, उसको लिए आपको क्या करना चाहिए एसी मेंटेन करने के लिए? सबसे बढ़िया तरीका है जिसमें अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, बाहर का रहेगा, ये देखिए आपको 27 डिग्री टेम्परेचर पे, यानी कि ना तो ठंडा ना गर्म, यहाँ पे 27 डिग्री टेम्परेचर पे, जिसमें अंदर का भी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा बाहर का भी, और फ्रंट करके अपनी गाड़ी को लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहे हो, टूर पे जा रहे हो, तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी का बैलेंस बना के रख सकते हो और दुर्घटना से बच सकते हो। ये 5 सावधानियां आपने रख ली तो आपकी भी जान बचेगी औरों की भी जान बचेगी। तो देखिए शीशा बिल्कुल क्लियर और साफ हो गया है और बाहर का एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ये 5 सावधानियां बरतिए और दूसरों की और अपनी जान बचाइए। थैंक यू।